अलग अलग राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि आदमपुर में उपचुनाव भाजपा निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के अंदर एक नरेंद्र मोदी जी को भरपूर प्यार आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। आपने कल ही जो है सर्वे देखा होगा, चुनावी सर्वे गुजरात और हिमाचल का आया है और जिस प्रकार से गुजरात और हिमाचल की स्वाभिमानी जनता ने इस बार द्वारा मिशन रिपीट का सोचा है, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने का, उनकी नीतियों को प्यार करने का सोचा है, निश्चित रूप से आदमपुर जो बाई इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है और एक सीट का इजाफा विधानसभा में हमारी का होगा। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए काफ़ी क्लेश रहा और अब शशि थरूर और खड़गे मैदान में है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो सर्कस चल रही है इसके अंदर सब शेर से लेके ये भालू सब पिंजरों के भालू हैं और रिंग मास्टर आपको ही पता है इसका कौन है। रिंग मास्टर बुढ़ा चुके हैं, अब उनको लगा कि जनता के सामने एक नया कर्तव्य करना चाहिए क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानदारी समाप्त हो चुकी है और नया कर्तव्य है, नया स्टंट है अपनी सर्कस को दोबारा जिंदा करने के लिए। ये नए नए जोकर नए नए क्लाउन सामने आ रहे हैं लेकिन जनता इनका तमाशा देख देख के उग चुकी है। और मैं उससे बढ़कर एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतनी बड़ी फौज है कि बूथ का अध्यक्ष बनने के लिए हमारे सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी घरों से पकड़ पकड़ के नेताओं से नॉमिनेशन फॉर्म कैसा होना चाह कैसे ये भरवा रहे हैं राजस्थान वाले सीएम का, आपने सब ड्रामे आपने देखे। तो इस सर्कस में नया कुछ नहीं है, ये सर्कस बंद होके रहेगी। पंचायत चुनाव लगभग आने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं बाला में? ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, हर वर्ग को निश्चित रूप से उन नीतियों का लाभ पहुंचा है। उन नीतियों को लेके ट्रांसपेरेंसी को लेके भारतीय जनता पार्टी पुनः पंचायतों के चुनाव के बीच में उतरेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।